मुंबई पुलिस ने बुधवार की सुबह रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी नागपुर की ओर से निषेध आंदोलन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए, सांसद विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आत्महत्या के पुराने मामले में मुंबई पुलिस ने आज सुबह रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी द्वारा शहर के गोलीबार चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, इन्होंने कड़े शब्दों में इस घटना का विरोध किया है। साथ ही पाटिल इन्होंने कहा कि आज का दिन ब्लैक डे है। हम इस राज्य में जो दमन चल रहा है, सिर्फ इनकी स्तुति करना, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। कुछ महीने पहले एबीपी माझा के पत्रकार को भी गिरफ्तार किया, उन पर भी केसेस लगे। तो अर्णव गोस्वामी, आज एक घटना हुई है, इस प्रकार से कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा, वो सच भी है, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ठक्कर को जिस प्रकार से ट्रीट किया, आतंकवादी जैसे उनको काला कपड़ा पहनाकर पूरे रास्ते से उनको घुमाया गया, यहाँ से उसकी छुटकारा हुई तो तुरंत उसको गिरफ्तारी करके बम्बई लेकर गए। तो सिर्फ इनकी स्तुति करना, इनके खिलाफ नहीं बोलना। ये जो दादागिरी चल रही है उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। अर्णव गोसाई कोई हमारा जमात नहीं है, हम ये पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, अच्छे प्रकार से बर्ताव करो, सत्ता आपको मिली है, आर्टिफिशियली क्यों ना हो। कोई झंडे का पता नहीं, कोई कार्यक्रमों का पता नहीं, लेकिन मीडिया इकट्ठा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जिसकी मेजोरिटी सरकार बनती है, इसका इस प्रकार से गलत इस्तेमाल मत करो। नहीं, ऐसा 5 साल में इस प्रकार के दमन का कोई भी घटनाएं हम लोगों ने नहीं की। और अर्णव गोस्वामी जैसे, जिसका एक बड़ा एक रूस से फॉलोइंग है, ऐसे व्यक्ति को जिस प्रकार से घर से उठाया गया, वो बोल रहे थे मेरी माता जी के दवाई देकर फिर निकलेंगे, तो उसको घसीट कर लेकर गए। यह होता है क्या? सामान्य आदमी के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लगातार बीजेपी प्रदर्शन करेगी और हम सारे कार्यकर्ताओं को, महाराष्ट्र के पूरे कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि ये ब्लैक डे है, ये ब्लैक घटना है, तो अपने शर्ट पर एक ब्लैक निशान लगाकर हम घूमेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मौड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News, नागपुर।